हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया अपन ने, ठीक है। टॉपिक का नाम मेरे भाई होने वाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेरे भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपन ये बहुत ही इजी टॉपिक। मैं चॉक का कलर चेंज करता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है अपन का, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, अच्छा कलर लेता हूं, अगर पसंद आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। लेट अस सपोज मेरे भाई, सपोज करो ना, लेट अस सपोज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमने मान लिया कि एक अपन के पास एक केमिकल रिएक्शन है। सर कौन सा केमिकल रिएक्शन है? सर आपने यही ना लिया, ठीक है, क्या लिया बताओ ना सर। रेट, ओहो एक सेकेंड, इरेज तो करने दो मेरे भाई, मैं रेट लिख रहा हूं काहे लिए, मेरे को रिएक्शन लिखना था ना। चलो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं कलर चेंज करके, रिएक्टेंट मेरे भाई ले लो, रिएक्टेंट। यस सर, रिएक्टेंट आपने ले लिया, वेरी गुड। रिएक्टेंट से मेरे भाई क्या बनेगा? आप कहोगे सर प्रोडक्ट तो बनता है, ये बच्चों वाली बात क्यों पूछते हो, है ना, प्रोडक्ट बनेगा। सर आप क्या बोलना चाहते हो कि जब मान लो कि टाइम जीरो रहा होगा तो सर पूरा कंसंट्रेशन ऑफ पूरी रिएक्टेंट तो पूरा होगा। अभी रिएक्शन चालू नहीं किया आपने और टाइम जीरो है, दैट मींस रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्टेंट पूरा का पूरा होगा, लेकिन मेरे भाई उस समय प्रोडक्ट तो जीरो होगा ना, प्रोडक्ट तो जीरो होगा। जब टाइम जीरो होगा तो रिएक्टेंट पूरा होगा एंड प्रोडक्ट विल बी जीरो ऑल्सो, क्योंकि टाइम अभी जीरो है, आपने एक सेकेंड भी रिएक्शन नहीं चालू किया, है ना। चलो लेकिन मान लो कि टाइम टी गुजरा, कौन गुजरा मेरे भाई, टाइम टी गुजरा तो यक्स तो बना होगा। टाइम टी गुजरेगा मेरे भाई, यक्स समझ में आ रहा है? कुछ और ना समझ लेना, यक्स मैं ऐसे ही बनाता हूं, चलो आपके लिए ऐसा वाला बना देता हूं, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं समझ में आ रहा, अच्छा वही वाला बनाओ। क्या यार आप लोग कैसे यक्स समझते हो, ये देखो यक्स यही वाला अच्छा लग रहा है। चलो तो टाइम टी गुजरा होगा तो यक्स मान लो बना होगा ना, कुछ टाइम गुजरा होगा तो कुछ प्रोडक्ट बना होगा। उस समय रिएक्टेंट मेरे भाई यक्स ए माइनस एक्स ही तो बचा होगा, बोलो ए माइनस एक्स ही तो बचेगा। अरे भाई पूरा ए था और प्रोडक्ट जीरो था, लेकिन जब टाइम टी गुजरा तो उस टाइम प्रोडक्ट एक्स बना होगा, लेकिन रिएक्टेंट मेरे भाई ए माइनस एक्स बचेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो उसके बाद अगर मैं भर भाई इसका रेट लिखना चाहूं, इसका रेट अपन लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, dx हो सकता है कि नहीं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं अपन? यस सर, अगर अपन इसको लिखें तो क्या हो सकता है, k होता है ना रेट लॉ के अकॉर्डिंग, होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो यहां पे वन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने लिखा रेट कांस्टेंट है, ए माइनस एक्स रिएक्टेंट का टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स ही तो बचा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें इसलिए अपन ने यहां पे वन लगा दिया। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन एक लाइन बढ़ाते हैं, बहुत इजी लाइन है, dx by dt, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि dt को इधर ट्रांसफर करते हैं और a माइनस एक्स को इधर लाते हैं। दैट मीन्स अगली लाइन मेरे भाई ये हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं मेरे भाई? यस सर, क्यों नहीं हो सकती? ये dx अपॉन a माइनस एक्स हो गया और k पहले से था मेरे भाई, और यहां पे dt भी आ गया कि नहीं आ गया? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने में कोई शर्म की बात है क्या? नो सर, कैसा शर्माना, ऑन इंटीग्रेशन लिखना मेरे भाई, ऑन इंटीग्रेशन, हो इंटीग्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट को सर आपने इंटीग्रेशन करना चाहा। यस सर, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे भाई dx अपॉन a माइनस एक्स का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ln a माइनस एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ln a माइनस एक्स आ गया। यस सर, अगर अपन इसका k तो कांस्टेंट लिख लो मेरे भाई, dt का अपन t लिख लेंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लेना मेरे भाई, दैट मींस i यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आप इसको c भी लिख सकते हो i करके, समझ आप अपने नोट्स में लिख लेना कि i मींस यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब किसी का इंटीग्रेशन हो जाता है मेरे भाई तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। ये देखो ln
1 अपॉन a माइनस x से आपको एक आइडेंटिटी पता होगा कि ln 1 by x को माइनस ln x लिखते हैं, ठीक है, 1 by x है ना, 1 by a माइनस x है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे तो वहां पे माइनस में टर्म हो जाएगा, ln a माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना, ठीक है। ln 1 by a माइनस x है, ये a माइनस x अगर अपॉन से ऊपर जाएगा मेरे भाई तो माइनस ln a माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस ln a माइनस x हो गया, क्योंकि यहां पे माइनस इसलिए लग रहा है, अब कंफ्यूज ना होना कि ये माइनस कहां से आया मेरे भाई, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया ना। आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि ln x, ln 1 by x होता है ना, ln 1 by x को अपन लिख सकते हैं माइनस ln x, क्योंकि 1 by x ऊपर गया, ये पता होगा, वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन इसको एड एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेरे भाई, इसको अपन इक्वेशन 2 मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कोई डाउट है? नहीं सर। चलो इसके बाद मेरे भाई एक बात समझ में आई कि जब मान लीजिए एट t इज इक्वल टू जीरो रहा हो, मतलब टाइम जब जीरो रहा होगा, मेरे बात को समझना, जब टाइम जीरो रहा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ये जो प्रोडक्ट था वो भी तो जीरो रहा होगा। जब टाइम जीरो रहा होगा तो प्रोडक्ट भी तो जीरो रहा होगा, x मेरे भाई प्रोडक्ट ही तो है, जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट क्या था, जीरो था, तो इस इक्वेशन में अपन t के जगह पे जीरो रखेंगे एंड x के जगह पे भी जीरो रख देंगे। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं इस तरफ, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ देखिएगा ध्यान से। चलो उसके बाद अपन लिखेंगे यहां पे माइनस ln a माइनस एक्स के जगह मेरे भाई जीरो हो गया, वेरी गुड। चलो इज इक्वल टू क्या किया आपने, के टी हो गया, के टी के जगह भी जीरो कर दो, प्लस आई। समझ में आ रहा है, अरे यार जब टाइम जीरो रहा होगा तो उस समय प्रोडक्ट भी तो जीरो रहा होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, तो इसमें पुट करो ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन टू, यहां लिख लो ना कोने में, मैं लिख नहीं रहा तो इसका क्या मतलब, लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख लो सेंटेंस बोल दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन टू, कर लिया, वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन ने इसका क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस ln a आएगा कि नहीं आएगा, माइनस ln, ये तो जीरो तो खत्म ही कर लो, क्योंकि माइनस ln जीरो सा जीरो ही होगा, उसकी बात नहीं था, तो मैथ आपको आती होगी ना, के जीरो सा जीरो ये भी खत्म कर लो, दैट मीन्स i इज इक्वल टू पता चल गया माइनस ln a, इसको अपन इक्वेशन 3 मानते हैं, अपन इसको इक्वेशन 3 मानेंगे कि क्या मिला, इक्वेशन 3 में क्या मिला, i की वैल्यू मिल गई ना, माइनस ln a, वेरी गुड। चलो उसके बाद अपन क्या करेंगे, फ्रॉम यहां पे लिखते हैं मेरे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से, ये देखो 2 इक्वेशन ये रहा एंड 3 ये रहा, तो इसमें 2 वाले इक्वेशन में मेरे भाई एक जगह i आ रहा था ना, और यहां पे i इज इक्वल टू ये है, तो अपन क्या करेंगे, इसके i के प्लेस पे माइनस ln a पुट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या करूंगा, यहां पे देखो इक्वेशन 2 में एक जगह i आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i, वेर i मतलब यहां पे माइनस ln a हम लोग ने निकाला कि नहीं निकाला, एट t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू ऑल्सो 0, at t is equal to 0 then x is equal to also 0, that means i is equal to minus ln a आएगा कि नहीं आएगा, very good। चलो इसमें put करने में कोई शर्म की बात है क्या, कोई शर्म की बात है, चलो अपन put करते हैं यहाँ पे, अपन put करते हैं, देखो मैं लिख करता हूँ minus, मैं चौक का कलर चेंज कर दिया मेरे भाई, minus ln, बोलिए मेरे साथ बोलो minus ln, यस सर मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, आपकी बात मैं सुन सकता हूँ, minus ln a minus x is equal to बोलो kt और ये प्लस i है और मेरे भाई i इज इक्वल टू माइनस ln है, तो यहां पे माइनस ln a रख देंगे। समझ में आया क्या किया मैंने, क्योंकि बस यहां पे i था और यहां पे i था, मैंने इक्वेशन 2 का i रिप्लेस किया फ्रॉम माइनस ln a से, वो माइनस ln a कैसा है वो मैंने बता दिया। चलो इक्वेशन फिर से हम चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, kt को अपने प्लेस पे ही छोड़ दो, kt अपने प्लेस पे है, समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। इस माइनस ln a को मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस ln a को इधर लाऊंगा तो ये प्लस ln a में होगा कि नहीं होगा, भाई बताना मेरे को, तुम भी मुझे सिखाना भाई, kt अपने प्लेस पे ही है, थोड़ा सा समझो, अब एक दो स्टेप क्या पूरा छोटे बच्चे वाला मैथ इधर उधर करूं, एक डायरेक्ट समझो बात को कि kt अपने प्लेस पे है, माइनस ln a को मैंने इधर ट्रांसफर किया, वेरी गुड, तो माइनस से प्लस हो गया खत्म, ठीक है। ये माइनस ln a अपने पढ़ा था ना, माइनस ln
a माइनस एक्स मेरे भाई यहां पे था। चलो अपन इसको kt इज इक्वल टू एक बात तो पता होगा, ln a माइनस ln b को अपन ln a अपॉन b कहते हैं। क्यों नहीं सर, ये तो पता ही है। अरे भाई ln a माइनस ln b मान लो, ये तो आइडेंटिटी है कि ln a अपॉन b, ठीक है। log a by b को अपन log a माइनस log b बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो सर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ln a अपॉन a माइनस x लिखने में कोई शर्म की बात है क्या? नहीं सर, इसको तो अपन लिख ही सकते हैं, ठीक है सर। अगर मेरे भाई log ln को log में कन्वर्ट करें तो एक इसके साथ कांस्टेंट टर्म लगा देना, कांस्टेंट टर्म लगेगा। kt इज इक्वल टू अपन इसको ये भी लिख सकते हैं 2.303, क्या लिख रहा हूं मेरे भाई 2.303, ठीक है, लॉग में हो गया ना। ln को जब अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म लगा रहा हूं 2.303 a अपॉन a माइनस एक्स मैंने लगा दिया, समझ गए, ठीक है सर। अगर ये t को यहां पर ट्रांसफर करें, t को ट्रांसफर कर दें तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। लॉग लिख सकते हो a अपॉन a माइनस एक्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वाई नॉट सर। यही अपन को प्रूफ करना था, यही अपन को प्रूफ करना था, अपन ने प्रूफ कर लिया। अच्छा एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो ये भी बढ़ सकता है। देखो मैं लिख रहा हूं स्पेस कम है, स्पेस कम है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि हो जाए सारा डेरिवेशन एक ही में, ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लेना। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इज इक्वल टू नहीं मेरे भाई लॉग, इसको ना अपन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन, इसको लिख सकता हूं, इसको a माइनस x को लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ a। समझ में आया क्या मैं बोला? ये भी एक उसी फॉर्मूले को अपन मॉडिफाई कर दिए थोड़ा सा, अपन मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट बाई कंसंट्रेशन ऑफ a। सर ये a नॉट और a क्या है ये तो आपने बताया नहीं, स्पेस कम होने की वजह से मैं कहां लिखूं। चलो यहां पे लिख दूं क्या? अच्छा चलो यहीं पे देखता हूं, स्पेस तो थोड़ा बहुत है। a नॉट का मतलब मेरे भाई, a नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसके सामने लिख देता हूं, समझ जाना, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लो मेरे साथ में, ठीक है। a नॉट का मतलब मेरे भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, INITIAL स्पेलिंग से ये तो बता देना, ठीक है। a नॉट कंसंट्रेशन, a नॉट जो है ये अपन का इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये मेरे भाई फाइनल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो a अपॉन a माइनस x, अदरवाइज आप करना चाहो तो कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a कर लेना, वेयर कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ a मींस फाइनल कंसंट्रेशन। आप इसको नोट करो, एक बार प्रैक्टिस करो 101% आ जाएगा, एक बार देख लो सब। सॉरी देखो, लेट अस सपोज अ केमिकल रिएक्शन, मान लिया कि एक अपन के पास केमिकल रिएक्शन है सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, टाइम टी इज इक्वल टू जब जीरो था, पूरा रिएक्टेंट भरा था, प्रोडक्ट जीरो रहा होगा, यस सर। टाइम टी गुजरा तो उस टाइम प्रोडक्ट एक्स बना होगा, वेरी गुड। चलो तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा मेरे भाई, ए माइनस एक्स बचा होगा। इसका रेट अपन लिखें तो डीएक्स बाई डीटी हो सकता है, और इसका अगर करें अपन तो के ए माइनस एक्स होगा कि नहीं अकॉर्डिंग टू रेट लॉग। फर्स्ट ऑर्डर की बात है तो यहां पे वन मैंने लगा दिया, बस एक सेकंड की बात है, देख लेना। डी टी को मैंने ट्रांसफर किया और ए माइनस एक्स को इधर लाया मैंने, हो गया फर्स्ट, कुछ नहीं है इक्वेशन, फर्स्ट में कुछ है ही नहीं मेरे भाई, रेट और रेट लिखो ना, रेट लिखने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया बस मैंने। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं तो ln 1 बाई a माइनस एक्स आएगा, और dt का t हो गया, दैट मीन्स kt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई मेरे भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लिख लेना यहां पे ऐसे एरो बना के, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेरी गुड। चलो इसको अगर ln 1 बाई एक्स है तो माइनस ln x कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये a माइनस एक्स ऊपर गया तो मेरे भाई माइनस ln a माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है सर। इक्वेशन 2 भी तो बहुत इजी था सर, वही कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, वेरी गुड सर। टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू भी 0 रहा होगा, वेरी गुड। चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुट किया हमने t के जगह यहां पे x के जगह, यहां पे t के जगह, ये पूरा 0 हो गया, माइनस ln a इज इक्वल टू i, दैट इज इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द क्या मतलब,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन टू कर सकते हो, तो सेम आई के जगह पुट करो, दैट मीन्स इसको यहीं पे रहने दो, इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने तो माइनस से प्लस में हो गया और ये माइनस का तो ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी को अपन लॉग ए अपॉन बी करते हैं, वेरी गुड। मैं क्या किया, ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 2.303 आएगा कि नहीं आएगा लॉग के साथ, ठीक है सर आ गया। t को ट्रांसफर करूंगा तो 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस x हो जाएगा, वेयर एक तरीके से और लिख सकते हो कि a को आप रिप्लेस करो इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस x को रिप्लेस करो फाइनल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेरी गुड, एंड फाइनल कंसंट्रेशन, समझ में आया, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, देखो इनिशियल था ना a और फाइनल था ना मेरे भाई, फाइनल का मतलब टाइम टी पे कुछ तो बनेगा, ठीक है। इसको नोट करो, मैं आपके सामने अभी और स्लाइड लगा के सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाया, इसमें अपन बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के। सर ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है मेरे भाई। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है ना मेरे भाई, बात को समझो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है मेरे भाई वो सीधा सीधा आधा हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू जो भी रही होगी उसका सीधा सीधा 50% हो जाता है मेरे भाई। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो बिकम हाफ, बस इतना आपको बोलना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू था उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो बेचैन ना होना, मैं बताता हूं आपको। अभी जस्ट अपन ने एक डेरिवेशन प्रूफ किया था मेरे भाई, मैंने उसमें बोला था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अगर अभी तो जस्ट प्रूफ किया है मेरे भाई, याद आ रहा है कि नहीं, याद कर लो मेरे भाई, याद आ रहा होगा कि सर आपने इसका डेरिवेशन बताया, ये रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन ने प्रूफ किया था। समझ में आ रहा है, के मेरे भाई रेट कांस्टेंट है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं अगर बात करूं, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, इसका प्रूफ हो चुका था। सर आपके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यही तो होना चाहिए, आपके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सर जो फाइनल कंसंट्रेशन है मेरे भाई बात को समझना, वो क्या होगा, जो भी आपका रिएक्टेंट था इनिशियल उसका सीधे सीधे आधा होगा। आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आ रहा है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन का सीधे आधा होगा, तो टाइम भी तो सर आधी लगेगी, तो टाइम थोड़ी का इतना लगेगा, तो t इज इक्वल टू टी हाफ भी तो हो जाएगा, बात को समझ रहे हो, तो टाइम भी पूरा नहीं लगेगा, टाइम जो है 1/2, मतलब टाइम जो है टी हाफ इसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो फाइनल कंसंट्रेशन है मेरे भाई, वो क्या होने वाला है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का सीधा हाफ होगा कि नहीं होगा, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका सीधे आधा आधा हो जाएगा, तो टाइम भी तो आधा ही लगेगा, क्योंकि मैंने बोला है हाफ लाइफ पीरियड में एक लाइन बोली है मैंने कि इट इज टाइम, ये एक ऐसा टाइम मेरे भाई जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सीधे आधा हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू के, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का 50%, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा 1/2 कर दिया हमने, तो टाइम भी तो आधा होगा, ठीक है सर। इसको अगर अपन पुट करें, इसमें पुट करते हैं मेरे भाई, k इज इक्वल टू 2.303 होगा, t के जगह पे अपन t 1/2 कर सकते हैं, दैट मींस t हाफ हो सकता है, यस सर क्यों नहीं हो सकता, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे भाई है, समझ में आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पे अपन इसको पुट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो रही है, ठीक है सर कर दो ना, क्या शर्म की बात है, अपॉन 2 कर सकते हो कि नहीं मेरे भाई, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर क्यों नहीं जाएगा, तो बच्चों वाली मैथ ना सिखाया करिए सर आप, ठीक है। 2.303 डाट रहे हो क्या भाई, 1/2 इज लॉग, ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट By concentration of A naught होगा into 2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 चला गया, ये सर ये खत्म कर लो अपना मामला, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ, ध्यान देना मेरी बातों का k is equal to k is, अरे यार ये 2 नीचे से ऊपर गए हो कि ना गए हो, समझे हो मेरी बात को, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ये फाइनल कंसंट्रेशन को ही तो मेरे भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई 2 किया था, तो ये फॉर्मूले में जो ये था ना उसी को मैंने रिप्लेस मारा इससे,
समझ में आया, यही तो पुट किया मैंने, और टू यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, पता ना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो d से सीधे a एंड b से सीधे c, ये पता है ना मल्टीप्लाई वाला छोटा फॉर्मूला है, अगर नहीं पता होगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे पढ़ते होंगे ना उनसे अगर आप पूछेंगे तो बता देगा वो, ठीक है, ये कैसे टू पर गया, अगर छोटे बच्चे आपके घर में हो तो प्लीज पूछ के देखिए एक बार, मजा आएगा, ठीक है, चलो ठीक है, चलो 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 पूछने मत लगना भाई, नहीं तो बहुत मारेगा, चलो 2.303 अपॉन टी हाफ, समझ गए, चलो उसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं लॉग टू, कर सकते हैं कि नहीं सर, मौज कर दिया आपने, तो लॉग टू निकाल दिया सीधे सीधे बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है सर, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, टी हाफ को इधर लेके चले जाओ, के को इधर लेके आओ, बोलो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, हो सकता है कि नहीं हो सकता, अच्छा लॉग टू की वैल्यू मेरे भाई अगर नहीं पता तो लर्न कर लो, 0.3010 होता है, 30 10 इसको बोल के ऐसे कैसे भी कर लो, 0.3010 बोल देना, ठीक है, चलो समझ में आया, वेरी गुड, चलो इसके बाद मेरे भाई अगर टी हाफ इज इक्वल टू मैं बोलूं तो इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन ये के कर देना मेरे भाई, ये डेरिवेशन जो था, ये जो डेरिवेशन था टी हाफ इज इक्वल टू, मैंने प्रूफ कर दिया 0.693 अपॉन के हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ अगर आपसे पूछा जाए, फॉर फर्स्ट हाफ के लिए टी हाफ पूछा जाए तो 0.693 अपॉन के बता देना, अगर आपसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट पूछा जाए मेरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो क्या बताओगे बताओ, फटाफट बता दोगे ना, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये दोनों डेरिवेशन एक बार करके देखो मजा आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको कुछ ग्राफ बताना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ रख देते हैं अपन, इसको नोट डाउन, आपके सामने मैंने लास्ट स्लाइड लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड, मैंने ग्राफ के बारे में और कुछ एग्जांपल के बारे में बात करने के लिए ये स्लाइड लगाया आपके सामने, मेरे भाई बात को समझते हैं हम लोग इसमें टी हाफ, देखो सबसे पहली बात, ये जो भी ग्राफ बना है मेरे भाई, इसको ग्राफ को आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि कंपैरिजन किया गया है हमने y = mx + c से, कंपैरिजन करके हमने ये सारे ग्राफ को ड्रॉ किए, ठीक है, आप अपने कॉपी पे जो इक्वेशन था उसके जस्ट बिलो अगर आप y = mx + c mx + c के लिख के अगर आप कंपैरिजन करें मेरे भाई तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ का स्लोप देखने को मिल सकता है, ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें, इंटरसेप्ट क्या होगा वो पूरा का पूरा उससे पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, अगर टाइम वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए की रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाए हम लोग मेरे भाई, तो उसका स्लोप देख रहे हो माइनस, यही आपको इंपॉर्टेंस है कि स्लोप बहुत पूछता है आपसे, स्लोप पूछता है कि लॉग वर्स ये टाइम वर्सेस लॉग फाइनल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ मेरे भाई बन रहा है तो अपन का जो स्लोप होगा वो माइनस के 2.303 की बात होगी, वो स्लोप जो माइनस के है ना मेरे भाई, तो स्लोप ऐसे ही होता है, ठीक है, माइनस में स्लोप इस तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप कंपैरिजन किए होंगे उस इक्वेशन से, इसका इंटरसेप्ट मेरे भाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, दैट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा और लॉग फाइनल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ बनाया था, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस के वजह से मेरे भाई स्लोप इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है और माइनस के बाई 2.303 का वो स्लोप है, ठीक है, वर्सेस भी देखते ना कि वर्सेस किसके वर्सेस में, ठीक है सर, अगर सर आप कंसंट्रेशन और रेट के वर्सेस में अगर ग्राफ आप बनाते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट की ग्राफ में बनाते हैं तो जैसे जैसे मेरे भाई कंसंट्रेशन जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होगा और इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा, इसका एक ग्राफ इस तरीके का बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा क्योंकि ये दोनों क्या होने वाले हैं, अगर रेट और कंसंट्रेशन की रिस्पेक्ट में अगर आप बनाते हो तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और इस तरीके से मेरे भाई जाता है, समझ में आ रहा है, आपको देखना है किसके वर्सेस में ये ड्रॉ हो रहा है और उसकी लाइन कैसे स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन कहां से जा रही है, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अगर टाइम और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें मेरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही हम लोग इस तरीके का भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ना उसको लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए करके बाकी टर्म्स को अगर एक तरफ कर दे फिर कंपैरिजन करें उस इक्वेशन से तो उसका ग्राफ मेरे भाई कैसा होने वाला है, देख रहे हो स्लोप जब है के अपॉन 2.303 इन दोनों में फर्क देख रहे हो, इसका स्लोप मेरे भाई माइनस के था, माइनस के अपॉन 2.303 था मेरे भाई, इसका स्लोप देख रहे हो के अपॉन 2.303 है, दैट मींस यहां से स्टार्ट होगा और इस तरीके से माइनस में तो है नहीं कि ऊपर से लाएंगे हम लोग,
टाइम वर्सेस लॉ। अब ये आप सोचोगे कहां से आया, तो वही जो रेट कांस्टेंट की जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला था उसी को अपन मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब इसको एक तरफ कर लिया गया, बाकी सारा एक तरफ करके फिर कंपैरिजन किया गया, समझ गए। कुछ ऐसा टेढ़ा चीज नहीं कि जो आपको समझ ना आए मेरे भाई, आप तो खुद ही एकदम हीरो हो, एकदम इजी वे में बताना चाहता हूं मैं। अगर मेरे भाई इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ के रिस्पेक्ट में मैं बनाना चाहूं, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये और टी हाफ के रिस्पेक्ट में बनाना चाहूं, वर्सेस में बनाना चाहूं, तो इस तरीके का ग्राफ अपीयर होगा आपको, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है सर। अगर टी टाइम और इन लॉग मतलब लॉग ln इनिशियल कंसंट्रेशन तो है नहीं, ये फाइनल कंसंट्रेशन के वर्सेस में ग्राफ बनाए तो स्लोप आपको माइनस के का मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आईएमपी ग्राफ है। ये सब ग्राफ जो है ना आईएमपी हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब जो ग्राफ है ये बहुत बार एग्जाम में एक ग्राफ पूछा गया मेरे भाई, एग्जाम में पूछा गया है कि ln ये आपका कंसंट्रेशन ए और टी वर्सेस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो माइनस के होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। माइनस के का स्लोप मेरे भाई इसी तरीके का होता हुआ आपको दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो उसके बाद मेरे भाई कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड N2O, मेरे भाई समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये फर्स्ट ऑर्डर का मैं बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थे, मैंने कुछ जगह आपको एग्जांपल पीछे भी पढ़ाया था, एक बार आप एग्जांपल देख लें तो मजा आ जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH4O2 NH4NO2 एंड SOCl2 का ये जो डिकम्पोजिशन अगर मेरे भाई होता है, अगर इन दोनों का किसी का भी डिकम्पोजिशन होगा तो हम लोग इसमें फर्स्ट ऑर्डर में इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट मीन्स एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर करें तो भी मेरे भाई उसी का एग्जांपल है। अगर आप मेथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जांपल है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगर न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात होती है इसमें। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस भी अपन इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसी में इसकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन का जो डिकम्पोजिशन होता है, एजो आइसोप्रोपेन का जो डिकम्पोजिशन होता है मेरे भाई, वो भी अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन्वॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ईजी वे में। आपको एक्चुअली में ये चीजें एग्जाम्पल कुछ नाम तो सुना रहना चाहिए, ठीक है। आप ट्रेन में बैठते हो, आप ट्रेन में कभी बैठा है, अगर आप ट्रेन में बैठो आप किसी स्टेशन पे उतरो मत, आराम से स्टेशन का नाम पढ़ते चले जाओ। लगभग 1500 किलोमीटर गाड़ी गई, आपने बीच बीच में कुछ स्टेशन का नाम पढ़ लिया, बस ऐसे बैठे हो स्टेशन का नाम एक बार, बस याद कुछ नहीं करो, बस एक बार रीड कर लो स्टेशन का नाम ऐसे, फिर कभी 2-4, 6 महीने, 5 महीने बाद एक बार कोई किसी के मुंह से सुना कि ये जगह का नाम, मतलब सुना बीच में, मान लो गुजरात जा रहे हो तो बीच में मान लीजिए पड़ गया कोई स्टेशन, पड़ गया कोई स्टेशन का नाम, क्या बताया मैं, कोई स्टेशन का नाम बताया, चलिए मान लीजिए वाराणसी पड़ गई, ठीक है, बीच स्टेशन, बीच में कोई बहुत छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं उसमें बीच बीच में, ठीक है। आपने कोई स्टेशन का नाम रीड कर लिया और अगर आपसे कभी कोई बोलता है कि ये स्टेशन ऐसा इस जगह का नाम सुन, तो याद तो एक बार तो जरूर आएगा कि मैं जा रहा था वहां पे और मैंने बीच में इसको देखा, एक बार तो जरूर याद आएगा मेरे भाई। रीड करने से भी मामला सेट हो सकता है आपका, समझ में आ रहा है। तो रीड कर लोगे तो कभी भी तो सुनोगे कि मेरे भाई इन्वर्जन ऑफ केन सुगर किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। मेरे भाई पढ़ने से भी आता, न्यूक्लियर रिएक्शन किस में इन्वॉल्व है, फर्स्ट रिएक्शन। एक बार रीड तो करो, दिल से रीड करना मेरे भाई, दिल से रीड करना, दिल से रीड का पूछो, दिल से कैसे रीड करते हैं तो फिर मैं कैसे बताऊंगा, समझ में आ रहा है। चलो दिमाग से रीड करो, ठीक है, कैसे भी रीड करो, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आना चाहिए ना। चलो रोड सॉरी यार, ठीक है, थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही मेरी। चलो अभी की फिलहाल इतना नोट करिए, आप नेक्स्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा, ओके। प्लेलिस्ट में जाके आप नेक्स्ट लेक्चर चेक करिए प्लीज। अगर अभी आपको ये चीजें समझ में आया हो, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करें, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।